झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा था कि 7 अप्रैल तक वे सभी लोग खुद आकर अपनी जानकारी दें जो किसी देश, प्रदेश या राजस्थान के किसी अन्य जिले से झुंझुनू में आए हों। ऐसा नहीं करने पर FIR दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए गए थे। इसका असर पूरे जिले में देखा गया। मंगलवार को अधिकारियों के पास ऐसे लोगों के फोन भी आए। वहीं अस्पताल में अपनी जानकारी देने और जांच करवाने के लिए लोग पहुंचे। BD के अस्पताल के PMO डॉक्टर शुभकरण कालेर ने बताया कि लोगों की संख्या को देखते हुए 5 अतिरिक्त चिकित्सकों को जांच के लिए लगाया गया है। जब से कलेक्टर ने ये आदेश किया है कि जो भी लोग बाहर से आए हैं वो स्वयं अपनी सूचना देवें और उनकी स्क्रीनिंग करवाएं, इसकी वजह से पब्लिक को फायदा है और हमें भी स्क्रीनिंग में फायदा है कि उनको सर्च आउट करने के लिए। आज हमारे यहाँ BDK में कम से कम 150 से ज्यादा लोग फिलहाल मौजूद हैं। इसके लिए मैंने अलग से 5 डॉक्टर बिठा दिए हैं जो उनकी डिटेल्स लेंगे कि कब से वो आए हैं, कोई सिम्टम हो, कोई और उनके ऐसी कोरोना लाइक सिम्टम्स है तो हम उनको क्वारंटाइन में शिफ्ट कर देंगे। बाकी को सबको होम आइसोलेशन के लिए बोल देंगे और जो लोग जिनको 1.5 महीने हो गया, 2 महीने हो गए तो उनकी भी हमारे पास स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो इससे बहुत बड़ा फायदा जनता को भी है, उनको स्वयं को भी है और